असलमैल वरह वक्त कैसे हम सब दोस्त तो करिए से हैं ठीक हैं डॉक्टर शुजात अली आपकी ख़िदमत में हाजिर है एक अफसोसनाक ख़बर इस हवाले से कि एक बहुत ही हर दिल अजीज़ शख्सियत आप सब के जाने हुए माने हुए पहचाने हुए बहुत ही आ, मैं समझता हूँ कि क्रिशमा साज़ शख्सियत मौलाना तारिक जमील साहब जो कि इस वक्त कैनेडा में है उनके हवाले से बड़ी अफसोसनाक खबर इधर उधर गर्दश कर रही है कि उनको सडनली हार्ट अटैक हुआ है कनाडा में शायद को वो अपनी कुछ निजी मसरूफियात की वजह से हैं यहाँ की जो कम्यूनिटी उससे पहले भी आते रहते हैं उनसे मिलने के लिए आ, उनका जो बेटा है यूसफ़ जमीला दली उन्होंने ट्वीट किया ये यह मैं यहाँ पे आपके सामने शो भी कर देता हूँ और उनका मैंने एक वीडियो बयान भी देखा कि जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत आज सुबह पाकिस्तान में तो इस वक्त जाहिर है अर्ली मॉर्निंग हो रही है यू एस कैनेडा में इस वक्त इवनिंग है तो यहाँ की बिलीव सुबह के मुताबिक उनकी तबीयत ख़राब हुई हॉस्पिटल में लेके जाया गया तो वहाँ पे उनका डायगनोज़ हुआ कि उनको हार्ट अटैक हुआ है तो उसके बाद फिर उनका जो प्रोसीजर हुआ मोस्ट लाइकली एंजियोप्लास्टी इस तरह का प्रोसीजर हुआ होगा स्टेमी जिसे हम कहते हैं कि एस टी एलिशन हार्ट अटैक इस तरह की डिफरेंट टाइप्स हैं हार्ट अटैक्स की तो वो प्रोसीजर उनका हुआ वो ठीक है जो मैं बात करना चाह रहा था वो ये था कि बहरहाल ये अफसोसनाक है और दुआओं की अपील है उनके बेटे ने भी की बाकी भी सारे लोग इस हवाले से अपील कर रहे हैं जो मीडिया पे फैला हुआ है एक तूफान बल्कि कुछ तो तमनेल मेरी नज़र से गुजरे जिसमें कहा गया कि बस मौलाना साहब का शायद इंतकाल हो गया है ये सारी अफवाहें हैं कुछ ऐसे भी हमने गुजरे के जिसमें कहा जी पहले हार्ट अटैक हुआ दूसरा हुआ फिर तीसरा भी हो गया तो ये मुझे नहीं समझ आ रही ये हमारी पाकिस्तानी कौम और जर्नलिस्ट जो हैं ये कहाँ से चीजें निकाल के लेके आ रहे हैं ज़ाहिर है थोड़ा सा सैड मौका है ये मेरे लिए भी हंसी लेकिन इस बात पे थोड़ी सी कह कहा नहीं कहूंगा मैं लेकिन थोड़ी सी वो महजूज होना वो ये है कि हमारी कौम को आदत पड़ी हुई है कि हर बात में रूह निकल गई रूह फट गई रूह आसमान पे पहुंच गई बंदा खत्म हो गया पता नहीं दिमाग फट गया दिल फट गया वो मौलाना साहब के ऊपर भी सारा कुछ यही खुदा के बंदों को छोश करो आ, दुआ कीजिए इस तरह की गलत खबरें फैलाने का कोई तुक नहीं बनता है मैं आपको ये बताता चलूँ कि स्पेसिफिकली कनाडा और उसके बाद फिर यूरोप और फिर यू एस ए में आ, खुदा न खास्ता खुदा न खास्ता किसी को हार्ट अटैक होता है तो इसकी बहुत ही रैपिड किस्म की सर्विसेज मौजूद हैं लेकिन जब आपकी आ, खुदा करे कि सबको सेहत तो सलामती हो और खुदा ना करे कि इस तरह प्रदेश में किसी के साथ तो ऐसा मसला हो लेकिन Uh, अगर तो आपके जाहिर है आपके आखिरी सांस हैं तो फिर हो सकता है रिकवरी ना हो बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो हार्ट अटैक होता है उसको बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से हैंडल किया जाता है एमरजेंसी uh, मेडिसिन uh, में और एमरजेंसी डिपार्टमेंट्स में स्पेसिफिकली uh, इसके लिए कोड्स बने होते हैं जिसको हम स्टेमी अलर्ट कहते हैं और जैसे ही कोई ऐसा वो होता है तो फ़ौरन जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो अवेलेबल होते हैं पाकिस्तान की तरह तो नहीं होता ना यहाँ पे कि जी किसी को हो गया तो उसको घर भेज दें उनको जान छुड़ाएं बेड ही नहीं आपको मिल रहा ऐसा तो नहीं होता यहाँ पे तो ऐसा भी होता है कि कई मरतबा पेशेंट्स को आ, फ्लाई करवाया जाता है ताकि उनकी विद इन दैट नाइन्टी मिनट्स आपके पास नाइन्टी मिनट्स होते हैं जिसमें अगर खुदा न खासा को हार्ट अटैक आपको हुआ तो आपको वो एनजियोप्लास्टी और सब कुछ किया जाए स्टेंट डाले जाए या कुछ भी किया जाए तो बहुत इसमें एडवांस किस्म की सहूलत मौजूद होती है कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स होते हैं और ऐसा भी नहीं होता कि जना तो एक मरत हार्ट अटैक हो गया तो दोबारा ये हो जाएगा दोबारा वो हो जाएगा पॉसिबिलिटीज होती हैं उसमें बहरहाल डिपेंडेंट ऑन द कंडीशन के आ, जो अंडरलाइन कंडीशन क्या है या पहले कोई इस तरह का कोई मसला चल रहा है या इसकी में हार्ट डिजीज चल रही है ये सारी चीजें तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जैसा कि उनके बेटे ने बताया कि उनकी तबीयत अभी ठीक है और इसी के ऊपर रिलाई करना चाहिए अफवाहों के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए बहरहाल मौलाना तारक जमील साहब आप सब की तरह मेरी तो बहुत ही हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं इस हवाले से कि ये बंदा खुदा जो है वो हमेशा खुदा की तरफ बुलाता है हमेनिटी की तरफ बुलाता है अलैहि वम की ताली की तरफ बुलाता है फिर वारियत के इंतहाई शदीद खिलाफ हैं मौलाना साहब और मोहब्बत और प्यार से लोगों को अपने पास बुलाते हैं आपको पता है कि मौलाना साहब की जो एक करिश्माती शख्सियत है उसका एक पहलू ये है कि जो आपकी सोसाइटी के जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल जो निचले तबके के लोग जिन्हें हम समझते हैं जी जो गुनाहों में डूबे हुए हैं जो नहीं क्या कुछ करते हैं उनको भी मौलाना साहब जो है ना वो जाते हैं उनके पास और उनको राह रास्ते लेके आते हैं इस तरह की वो करिश्मा साज शख्सियत हैं खुदा उनके मुदाल से दुआ करते हैं कि खुदा उनको सेहत और सलामती दे और इन शाह वो इसी सेहत और सलामती के साथ मुल्क अजीज पाकिस्तान में वापस जाए और उनकी फैमिली के लिए भी दुआ है कि खुदा उनको भी हौसला दे वही मैं बता रहा हूँ कि जब आप आउट ऑफ द कंट्री होते हैं खुदा न खासर की जो एमरजेंसी होती है वो बहुत ही आपके लिए ज़ाहिर परेशानी का बायस बनता है लेकिन चूँकि मौलाना साहब के चाहने वाले पूरी दुनिया में मौजूद हैं अगर खुदा ने हमें तोफीक दी जैसे वो यू एस में हो कहीं इधर उधर तो इन शारी सर्विसज हाजिर हैं लेकिन कहने की ज़रूरत नहीं है हम तो ना तीन में न तेरह में उनकी माशा अपनी ही बहुत ज़्यादा जो जमात है उनकी और उनके जो चाहने वाले हैं पूरी दुनिया में फैले हुए तो आई होप कि उनको बेस्ट किस्म की सर्विसेज वो दे रहे होंगे इस वक्त तो इन अफवाहों पे कान ना धरें खुदा बंद मताल से दुआ करें कि खुदा उनको सेहत और सलामती दे अल्लमकम व वबरकू